हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस ब्लॉग में 3 से 4 जगह घूमेंगे। एक सांची है, सांची स्तूप, और एक कर्क रेखा और एक हलाली डैम। 3 जगह हम घूमेंगे। और आप ये एमपी में कर्क रेखा विदिशा ज़िले के सांची से थोड़ी दूरी निकलती है। इसको ये देखिए, इंडिया से बीचों बीच से निकलती है, जो कि विदिशा के पास से, सांची के पास से ये कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। तो मैं इसके बारे में जानकारी भी दे रहा हूँ। यहाँ पर टोटल 14 जिलों से निकलती है, 14 डिस्ट्रिक्ट से कर्क रेखा। तो इसके बाद उसको भी दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, 20 सड़क से ही जाती है। हम लोग बीच रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुके थे, तो हमने देखी, तो हमने यहाँ पर कुछ फोटो सेशन के लिए हम लोग रुके थे, तो कुछ बहुत फोटो सेशन हो रहा है हमारा, भैया भाभी मम्मी। थोड़ा और कुछ फोटो सेशन कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आते हैं तो लोग जरूर फोटो खिंचाते हैं, और जो नहीं जानते वो तो एक बार फोटो तो जरूर खिंचा लेते हैं, तो इसका जानना भी ज़रूरी है इसके बारे में। और ये सिर्फ एमपी में, भोपाल के पास से विदिशा ज़िले में ही ये थोड़ा आपको कर्क रेखा की कुछ मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फोटोज हम लोगों ने ली थी। इसके बाद हम हलाली डैम भी घूमेंगे, और भी फोटो हमारी देख लीजिए। अब हम सांची घुमाने वाले हैं आपको। पापा जी सांची का स्तूप 200 के नोट के ऊपर भी आप देख सकते हैं। उसमें कौन सा पिलर है वो भी मैं बताऊंगा कि कहाँ कौन सा पिलर की फ़ोटो ली गई है। तो इस टाइम सांची महोत्सव चल रहा था, वहाँ मार्केट वगैरह भी लगता है। और तो साइड में वहाँ सर जो जिन्होंने सांची की खोज की थी, उनका म्यूजियम भी शुरू में ही है। आप चाहें तो बाइक से, कार से डायरेक्ट रोड के थ्रू भी जा सकते हैं, और हम पैदल भी देख रहे हैं। ये पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, अभी तक बनी हुई हैं, लोग इससे भी आते जाते हैं पैदल वाले यात्री। और ये हम अंदर आ चुके हैं मंदिर में। ये श्रीलंका द्वारा बनाया गया है बौद्ध जी का, तो ये उन्हीं के द्वारा मेंटेन किया जाता है। देखिए श्रीलंका के कुछ सिंबल आपको मिल जाएंगे। अब हम आ चुके हैं सांची स्तूप के अंदर। सांची स्तूप के यहाँ आने के लिए आपको 40 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। पहले 10 रुपये था, और 40 रुपीज़ कर दिया गया है। छोटे छोटे स्तूप है, और मेन स्तूप वो सामने है, दिख रहा होगा आपको। और आप कई जो आपने NCERT में पढ़ा होगा, सबका अलग अलग मीनिंग है, आप उसको एक बार स्टडी करिएगा। मैंने ओनली गाइड का भी एक वीडियो बना रखा है, इसमें से गाइड ने हमको समझाया था। देखिए एक बढ़िया सा पार्क डेवलप किया गया है। और नवंबर के लास्ट वीक में यहाँ पे उनके शिष्यों की अस्थियाँ वो की जाती हैं, घुमाई जाती हैं पूरे। अगर आपको सांची के बारे में और भी जानना है, तो आप हमारा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने ओनली एजुकेशन पर्पज और जो हिस्ट्री के जानकार जानना चाहते हैं उन्हीं के लिए बनाया है। और आप ले कर सकते हैं कि ये सांची से रिलेटेड और हिस्ट्री काफ़ी पूछी जाती है गवर्नमेंट एग्ज़ामों में, तो आपको जानना भी ज़रूरी है, अच्छा रहेगा। यही सब बता रहे थे कि कैसे कैसे होता है वहाँ पर, किन्होंने
ये बोला जाता है कि जो ये गेट है ये उड़ीसा के राजा ने साक्षी को दिया था, और हर गेट का मतलब अलग अलग मीनिंग है, तो आप एक बार जरूर देखें। और हम लोग बहुत अच्छे से सुन रहे थे पूरा गाइड भैया की बातें। बताते हैं कि अशोक स्तंभ का ही पार्ट है, इसको गन्ना पेरने के लिए इनके लोगों ने इनको लिया था और सोचा कि इसका गन्ने पेरने के यूज करेंगे, और उसके बारे में बता रहे हैं पूरा। ये पीछे का साइड है, बता रहे हैं अशोक स्तंभ के बारे में। अलग से लक्का से बनाया हुआ बुद्ध जी का टेम्पल है, उसके बाद इन्हें खड़ा हुआ है और ऊपर जाने से कितना बढ़िया व्यू मिलता है। ये देखिए यहाँ से कितना बढ़िया सांची विदिशा का पूरा व्यू मिलता है, कितना बहुत ऊंचाई पे है ये, तो बहुत ही देखने में बहुत सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि हम एयरप्लेन से बिल्कुल देख रहे हैं। वहाँ छोटे छोटे शॉप भी हैं, क्योंकि थोड़ी कॉस्टली है, आप चाहें तो नहीं तो बाहर भी हैं कई सारे नॉर्मल रेट में मिल जाते हैं। साइकिल स्कूटर और रिक्शा हमको बहुत अच्छा लगा था, थोड़ी कॉस्टली दे रहा था तो इसलिए हमने नहीं ले पाया, थोड़ा ब्लॉग के लिए वीडियो बना लिया था। लेफ्ट में क्या है ना, राइट में क्या है ना, और ये हम क्या है दा ना हम भजी का ता ता डोनर का नाम बच्ची का ता बच्ची का ता से नाम है जिसने दान किया है ये देखो मात्र दानम लास्ट दानम माँ के नाम से लगा दो भाई मैं तो पहचान डोनर पाली भाषा बोल रहा हूँ। अच्छा हम बात कर रहे थे दो मार्ग की, स्तूप का और मूर्ति का है ना, अगर हम यही बात करें सामने जो बुद्ध को हम मूर्ति से देख रहे हैं आप तो कह रहे थे मूर्ति है नहीं, अरे मूर्ति तो के समय है, मूर्ति तो कनिष्क के समय बनी गई ना, तो कितने पिलर थे यहाँ पे, एक दो तीन और एक बचा और वो क्या है बाकी के देखिए चार क्या गया
वहाँ पे कुछ फोटो सेशन कराया हम लोगों ने। यहाँ पे सांची महोत्सव चल रहा था तो यहाँ दो दिन का प्रोग्राम था। सब Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Through the sun rays and I... नाइट के टाइम का हमने लिया हुआ है। ये शुरू होने वाला था स्टेज परफॉर्मेंस। यहाँ पे पद्मश्री सुगमा नारायण भी आई थी, उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी। ये इस टाइप का स्टेज बना हुआ था, बहुत ही सुंदर दिख रहा था और बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का था। ऐसे ही हम लोग फोटो सेशन के लिए ऐसे चले गए थे। बहुत ही अच्छा स्टेज था तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। चलिए हम आपको ले चलते हैं हलाली डैम। हलाली डैम भोपाल के पास है, सांची के पास ही पड़ता है। अभी थोड़ा इसमें पानी वगैरह कम है, अगर इसमें बरसात के दिनों में यहाँ से प्री वेडिंग शूट वगैरह बहुत अच्छी होती है। यहाँ से जब ओवरफ्लो होता है तो यहाँ साइड से सूखा है और पानी भर जाता है, इससे भी बहुत ही अच्छा व्यू बनता है। पानी देता है कई सारी प्री वेडिंग शूट में आप यहाँ पे शूट होती है, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट बनता है। और पास में रिसॉर्ट भी है, आप चाहें तो रिसॉर्ट बुक कर लेते हैं, बिल्कुल मार्जिनल रेट में है। मैंने पूछा था तो 8000 पे शायद बुकिंग है, वन रूम दे देते हैं आपको और एक ब्रेकफास्ट और पूरा बोटिंग वोटिंग आप सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाती है और वो चार्ज आपसे लिया जाता है। देख लीजिए रिसॉर्ट के से अंदर का ही है रिसॉर्ट है। चाहे तो कुर्सी डली रहती है, आप चाहे रिसॉर्ट पर रुके हैं और यहाँ पे खाए पिए और थोड़ा आप पिकनिक स्पॉट टाइप का भी है, एंजॉय करें। यहाँ बोटिंग का भी है, आप चाहें तो बोटिंग भी कर लीजिए। रिसॉर्ट में रुक रहे हैं तो आप बोटिंग भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको सेफ्टी का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे लाइफ जैकेट जरूर पहन के जाइए। जितनी देर आपको बोटिंग करनी है उतनी देर करिए, आप कोई रोक टोक नहीं है। ये देखिए, और ये रिसॉर्ट वाले ने ही काफ़ी अच्छा डेवलप किया हुआ है, पूरी साफ सफाई का ध्यान रखता है। रिसॉर्ट के अंदर का दिखा रहे हैं, तो बड़े छोटे छोटे से घर बनाए हुए हैं। इसमें डबल एक रूम ही है, उसको थोड़ा अच्छे से ट्री हाउस टाइप का बनाया हुआ है। पिकनिक स्पॉट बहुत ही अच्छी जगह है, आप जाइए तो यहाँ पर जरूर रुकिए। ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 800 रुपये 1000-2000 ऐसे कुछ रूम रेंट है यहाँ पर एक दिन का, और खाने की व्यवस्था भी है, तो आप चाहे यहाँ पर रुक सकते हैं हलाली डैम। अगर आप दो तीन फैमिली जा रही है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, खाइए पीजिए।
करिए और खेलिए कूदिए। यहाँ पर अगर आप कोई फंक्शन भी करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर व्यवस्था है, लेकिन आपको दिखा दे रहा है। संडे के दिन था, संडे के दिन में हम लोग बैडमिंटन वगैरह भी खेल रहे थे। वहाँ लाली डैम सलामतपुर से साइड में 8 किलोमीटर दूर पड़ेगा आपको। आप बाइक से भी आ सकते हैं, कार से भी आ सकते हैं, कुछ और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथ through the wastelands, through the highways, and I